गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आज हम सभी हिंदी में क्या करने वाले हैं? आज हम सभी हिंदी में एक नया पाठ करने वाले हैं, पाठ नंबर 3, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मोटू राम ने खाए लड्डू। तो चलिए जल्दी से अपनी हिंदी की बुक खोलकर बैठ जाइए। खोल ली, वेरी गुड। नाउ ओपन पेज नंबर 19। और जहां मैं पढ़ रही हूंगी वहां पर आप लोगों को क्या करनी है? अपनी फिंगर रखनी है। वेरी गुड। पार्ट 3, मोटू राम ने खाए लड्डू। लाला मोटू राम के भाई के घर शादी थी। लाला मोटू राम के भाई के घर शादी थी। क्या थी? लाला मोटू राम के क्या थी? किसके घर क्या थी? लाला मोटू राम के भाई के घर शादी थी। भाई का घर गांव में था। भाई का घर कहाँ था? गांव में। किसके भाई का घर? लाला मोटू राम के भाई का घर गांव में था। लाला मोटू राम ने शादी में जाने की तैयारियां, तैयारियां शुरू कर दी। अब लाला मोटू राम ने क्या किया? लाला मोटू राम ने अपने भाई की शादी में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जैसे आप लोग किसी की शादी में जाते हैं तो आप सब भी तो तैयारियां करते हैं ना, वैसे ही लाला मोटू राम ने खूब सारी तैयारियां शुरू कर दी। मोटू राम ने एक नई अचकन बनवाई। जैसे आप लोग अपने लिए न्यू ड्रेसेस लेते हो ना शादी में जाने के लिए, वैसे ही मोटू राम ने अपने लिए एक नई सी अचकन बनवाई, पूरे साजबाज के साथ। साजबाज का क्या मतलब होता है? साजबाज का मतलब होता है पूरी तैयारी के साथ वे गांव पहुंचे। सभी ने उनका बहुत आदर किया। अब सभी ने उनका क्या किया? बहुत आदर किया। आदर मतलब रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना। तो सभी ने उनकी बहुत इज्जत की। भाभी ने भीतर, भीतर मतलब क्या होता है? भीतर का मतलब, भीतर मतलब अंदर से। भाभी ने अंदर से चाय भिजवाई। जैसे आप लोग अपने रिलेटिव्स के घर जाते हो तो आपके लिए भी आती है ना नमकीन, बिस्किट, बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसे ही लाला मोटू राम की भाभी ने अंदर से क्या भिजवाई? चाय भिजवाई। और चाय के साथ थे बूंदी के बड़े बड़े पीले लड्डू और मठरी। चाय के साथ भाभी ने क्या क्या भिजवाया? बूंदी के बड़े बड़े पीले लड्डू और मठरी। एक बार दोबारा रीडिंग करते हैं। लाला मोटू राम के भाई के घर शादी थी। भाई का घर गांव में था। लाला मोटू, ऊ की मात्रा, लाला मोटू राम ने शादी में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। मोटू राम ने नई अचकन बनवाई। पूरे साजबाज के साथ वे गांव पहुंचे। सभी ने उनका बहुत आदर किया। भाभी ने
भीतर से चाय भिजवाई। चाय के साथ थे बूंदी के बड़े बड़े पीले लड्डू और मठरी मठरी। लाला जी को मीठा खाने का बहुत शौक था। अब क्या हुआ, लाला जी जो थे उनको मीठा खाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। एक लड्डू खाकर वे बहुत खुश हुए। अब जैसे ही उन्होंने एक लड्डू खाया वो बहुत ही खुश हो गए, पर सब लोगों के सामने ज्यादा न खा सके। लेकिन क्या हुआ, वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे इसलिए वो ज्यादा न खा सके। भाई ने उन्हें कुछ देर आराम करने को कहा। अब लाला मोटू राम के भाई ने उन्हें कुछ देर क्या कहा, आराम करने के लिए। वे लेटे ही थे कि उन्हें सुगंध आई। वे लेटे ही थे कि उन्हें सुगंध आई। सुगंध मतलब खुशबू। अब क्या हुआ, जैसे ही वो लेटे उन्हें क्या आई, सुगंध आई, खुशबू आई। हलवाई लड्डुओं का थाल लेकर कमरे में आया। अब क्या हुआ, जो हलवाई था, हलवाई कौन होते हैं, जो मिठाइयां बनाते हैं। अब हलवाई ने क्या किया, हलवाई लड्डू का एक बड़ा सा थाल लेकर उसके कमरे में आ गया। अगेन, लाला जी को मीठा खाने का बहुत शौक था। एक लड्डू खाकर वे बहुत खुश हुए, पर सब लोगों के सामने ज्यादा न खा सके। भाई ने उन्हें कुछ देर आराम करने को कहा। वे लेटे ही थे कि उन्हें सुगंध मतलब खुशबू आई। हलवाई लड्डुओं का थाल लेकर कमरे में आया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। थाल वहीं रख वह चला गया। अब हलवाई ने क्या किया, वो एक बड़ी सी थाल लेकर आया लड्डुओं की और उसने वो थाल वहीं रख दिया और वो चला गया। बूंदी के लड्डुओं से भरा थाल देखकर मोटू राम का जी ललचाया। अब क्या हुआ, एक बड़ा सा थाल रख दिया हलवाई ने उसके कमरे में। अब उस थाल में क्या थे, बहुत ही सारे बूंदी के लड्डू, और मोटू राम का तो जो जी था वो ललचाने लगा। ललचाने लगना मतलब उसको लालच आ गया, उसका मन किया कि मैं एक लड्डू खा लूं, क्योंकि उन्हें मीठा खाने का बहुत शौक था। गपा गप लड्डू खाने लगे। अब क्या हुआ, मोटू राम का जी ललचाया और वो गपागप मतलब जल्दी जल्दी लड्डू खाने लगे। एक लड्डू एक गाल में तो दूसरा लड्डू दूसरे गाल में। अब उन्होंने क्या किया, उनको इतना पसंद था मीठा कि उन्होंने एक लड्डू तो एक गाल में रखा और दूसरा लड्डू दूसरे गाल में रखा, और वे लड्डू चबाना तो भूल ही गए, बस गपा गप निगलने लगे। वो लड्डू चबा नहीं रहे थे, वो गपा गप जल्दी जल्दी निगल रहे थे। थाल वहीं रख वह चला गया। कौन, हलवाई। बूंदी के लड्डुओं से भरा थाल देखकर मोटू राम का जी ललचाया मतलब लालच आना। गपा गप लड्डू खाने लगा मतलब जल्दी जल्दी वो लड्डू
खाने लगा। एक लड्डू एक गाल में तो दूसरा लड्डू दूसरे गाल में। वे लड्डू चबाना तो भूल ही गए, बस गपागप निगलने लगे। मोटू राम का पेट था गोल मटोल। अब मोटू राम का पेट कैसा था? गोल मटोल पेट था। अब उसमें लड्डू भर गए गोल गोल। मोटू राम का पेट था कैसा? गोल मटोल। और उसके अंदर लड्डू भी भर गए कैसे? गोल गोल। मोटू राम की तोंद और भी फूल गई। तोंद मतलब फूला हुआ पेट। एक तो मोटू राम पहले से ही इतने मोटे थे और लड्डू खा खा के उनकी तोंद और भी फूल गई। तभी कमरे में हलवाई आया। अरे यहाँ लड्डुओं का थाल रखा था, वह कहाँ गया? हलवाई ने क्या कहा कि अरे यहाँ लड्डुओं का क्या रखा था, थाल रखा था, वह कहाँ गया? मोटू राम जी ने गालों में फंसे लड्डू निकले। अब मोटू राम के गालों में भी क्या थे? लड्डू फंसे हुए थे। उन्होंने उन लड्डुओं को निकला, तोंद पर हाथ फेरा, अपने पेट पर ऐसे हाथ फेरा और बोले, थाल पड़ा है वहां और लड्डू है यहाँ। एक बार दोबारा से कहते हैं। मोटू राम का पेट था गोल मटोल। अब उसमें लड्डू भर गए गोल गोल। मोटू राम की तोंद और भी फूल गई। तभी कमरे में हलवाई आया। अरे यहाँ लड्डुओं लड्डू ओ का थाल रखा था, वह कहाँ गया? मोटू राम जी ने गालों में फंसे लड्डू निकले, तोंद पर हाथ फेरा और बोले, थाल पड़ा है वहां और लड्डू है यहाँ। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगता है कि आपको रीडिंग में भी मजा आया होगा। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, इस चैप्टर की इस पार्ट की अच्छे से रीडिंग करनी है और एक अच्छी सी वीडियो बनाकर मैम को भेजनी है। तो बच्चों घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।